पर आपका आज वीडियो में स्वागत है। पर आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है चंद्रकांत ने और वीडियो का टाइटल है वॉच इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पीएम मोदी टू इनोग्रेट हबीबगंज स्टेशन। और हबीबगंज स्टेशन की बात करें तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो देखी थी जनवरी में, देखी थी मतलब दिस ईयर 2021 जनवरी में हम लोगों ने देखी थी और उस टाइम पर इसका हम लोगों ने आई थिंक सिर्फ एक मॉडल देखा था 3D फॉर्म में और आज इनोग्रेशन होने जा रहा है वो भी देख लेते हैं भाई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो देखें, उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक के शेयर के फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक के शेयर के फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का पहला PPP मॉडल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा और ये देश को समर्पित किया जाएगा। जो स्टेशन है ये PPP मॉडल में, तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो मैंडेटरी प्रोजेक्ट जो स्टेशन पार्ट है और दूसरा जो है वो कमर्शियल पार्ट है। तो जो कंसेशन एग्रीमेंट या डेवलपमेंट एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो इस स्टेशन की मैंडेटरी स्टेशन पार्ट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो 100 करोड़ है और जो कमर्शियल डेवलपमेंट की जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो 350 करोड़ है। इसका जो मैंडेटरी पार्ट का जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो टाइम था वो 3 साल था, पर बीच में जो कोरोना की एक लहर आई, जो एक विपदा आई है, उसकी वजह से करीब करीब 1.5 साल का फर्क पड़ा है इसके कंप्लीशन में और इसको जो है 1.5 साल लगे हैं कंप्लीशन होने में। इसी तरह जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइम 8 साल का है उसमें भी करीब करीब 2 से 2.25 साल की बढ़ोतरी की संभावना है। ये जो स्टेशन जो रिडेवलप हुआ है ये एक मॉडल स्टेशन के तौर पर रिडेवलप हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट भी है इंडियन रेलवेज़ का। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि पैसेंजर एमिनिटीज़ को जितना इम्प्रूव कर सकें वो डिज़ाइन में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि फुट ओवर ब्रिज जो है या जिसको अपन एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं, ये पैसेंजर्स को एक छोर से दूसरे छोर पे और प्लेटफॉर्म पे ले जाने का भी काम करता है ये, और यहाँ पे करीब करीब 700 पैसेंजर्स के बैठने की भी सुविधा है। और क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पे बैठ कर वेट करेगा तो उसके लिए जो है यहाँ पे फूड जोन है, इंटरटेनमेंट जोन है, बच्चों के लिए किड जोन है और रिटेल एरियाज भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसी लेवल पे जो वेस्ट बिल्डिंग नई बनाई है उसमें AC वेटिंग लाउंजेस हैं और VIP रूम है। आप अगर एक लेवल नीचे जाएंगे तो जो मेज़नाइन एरिया है वहाँ पे जो है मॉडर्न एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ के साथ में मेल डॉर्मेट्री है, फीमेल डॉर्मेट्री है और नए रिटायरिंग रूम्स भी हैं। सबसे अहम बात इस स्टेशन की ये है कि यहाँ पर पैसेंजर सेग्रीगेशन किया गया है। पैसेंजर सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो इन पैसेंजर्स को ट्रेन पकड़नी है वो अलग रास्ते से अंदर आएंगे स्टेशन पे और जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो अलग रास्ते से जो है बाहर निकलेंगे। जो पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ रहे हैं वो जो टर्मिनल बिल्डिंग से ईस्ट में या वेस्ट में उससे अंदर आएंगे। दोनों जो छोर पे बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की और एस्केलेटर की सुविधा है, सीढ़ियाँ तो हैं ही, साथ में ट्रेवलेटर और एस्केलेटर और लिफ्ट भी हैं। तो पैसेंजर्स ऊपर आएंगे, वेट करेंगे यहाँ पर और जब भी उनके ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा या टाइम होगा तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए जो है ट्रेवलेटर हैं, एस्केलेटर्स हैं और जो व्हील बाउंड पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऊपर आने के लिए भी लिफ्ट है और एयर कॉन्कोर्स से नीचे उतरने के लिए भी एयर कॉन्कोर्स पर लिफ्ट है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पे रैम्प्स हैं, वो रैम्प्स जो हैं वो सबवेज को जोड़ते हैं, तो जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है वो सबवे के द्वारा बाहर निकल जाएगा। जहाँ तक पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है तो जितने भी एनक्लोज स्पेसेस हैं उसमें फायर अलार्म्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं और फायर डिटेक्टर्स हैं और सेल्फ एक्टिवेटेड जो हैं वो आपके स्प्रिंकलर्स हैं उसमें।
तो ये जो सिस्टम है, ये एक हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो स्काडा सिस्टम है, वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। और जो सिक्योरिटी की बात है, तो पूरा स्टेशन प्रमाइसेस जो कि प्लेटफॉर्म एरिया है, बिल्डिंग एरिया है, लिफ्ट एरियाज हैं, वो जो है टोटल सिक्योरिटी कैमरा, जिसको सीसीटीवी कैमरास बोलते हैं, उसके सर्वेलेंस में है। और उन सब के जो फीड है वो हमारे जो कमांड सेंटर के जो पैनल हैं उसमें है। उसके अलावा लाइव शेयरिंग जो है वो जीआरपी आरपीएफ और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी है। ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है, ये सस्टेनेबल बिल्डिंग के जो नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो हैं वो सोलार एनर्जी के थ्रू मीट आउट होंगी। उसके अलावा डे लाइटिंग का जो है अरेंजमेंट है स्काई लाइट्स के थ्रू, और जो भी रूफ शीटिंग की गई है एयर कॉन्कोर्स में या वेस्ट बिल्डिंग में, वो इंसुलेटेड है। इसके अलावा जितना भी सीवेज जनरेट हो रहा है उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में है। और जो ट्रीटेड वाटर जो निकल रहा है वो जो है प्लेटफॉर्म और एप्रन वॉशिंग के काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा बारिश में जो रेन वाटर है उसका भी हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट इस स्टेशन पे किया गया है। बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो जब हमने इसका एक 3D मॉडल देखा था, मुझे तो तब ही ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और मेरा ख्याल है कि जिस टाइम में हम रह रहे हैं ना, हमें अब इस तरह की सहूलतें मिलनी भी चाहिए। वैसे दिल तो बहुत है, लेकिन ये कि मिलती नहीं है। सही बात है। बट ये के वाकई में ये अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट है। और यही चीज जब हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, हमेशा बात करती हूँ कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर देखते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग बड़े उस चीज को देखते हैं, हम कहते हैं कि कितना अच्छा है सब कुछ। लेकिन हबीबगंज वाकई में मैं कहूंगी कि ये रेलवे स्टेशन जिस तरीके से इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इसका एरियल व्यू दिखा रहे थे तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाहर से कलर बहुत अच्छा है, फिर उसके अंदर जो हम कहें कि पैसेंजर्स को लेकर अमेनिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, कि जितनी उन्होंने मतलब कोशिश है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं वो दिया है। और इसके साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी, जब हम लोगों ने पहले भी ये प्रोजेक्ट देखा था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इवन कि अभी भी जैसे वो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं तो जो कमर्शियल पार्ट है उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि टोटल जो खर्चा है वो 450 करोड़ का है। बिल्कुल, वैसे बाकी ये चीज मुझे भी अच्छी लगती है कि इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो है वो देखने को मिलेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा इन्वेस्ट करवाया जाए। अच्छा, मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो जिस तरह यहाँ पे एक सुविधाएं दी जा रही है ना, खासतौर पर पैसेंजर्स के लिए, जब वो ट्रेन से उतरने के लिए और ट्रेन पे चढ़ने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए अलग रास्ता, जो लोग जाएंगे उनके लिए अलग रास्ता, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दो की मैं बात करना चाहूंगा, एक तो आने जाने वाले लोगों में धक्कमपेल नहीं हुआ करेगी, ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पर है इसका, वो ये फायदा होगा कि जो होते हैं ना बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जो टिकट लेके नहीं बैठते, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, यानी कि जो रास्ता जो है जाने के लिए अलग बनाया गया है। बट आई डोंट नो यहाँ पर कि वहां पर ऑलरेडी सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वहां पर सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि लोग, मेरा नहीं ख्याल कि बिना टिकट के वहां पर ट्रैवल कर पाते होंगे। अगर कर पाते हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिया में रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल में अगर ऐसा होने लग जाए ना तो फिर रेलवे सिस्टम को लॉस हो जाएगा और बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम होना शुरू। यार देखिए, अगर मैं टिकट बगैर टिकट की बात करूँ ना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आनंद लेते हैं दोनों मुल्क के लोग जो है वो फेस करते हैं, यानी कि जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो दोनों मुल्कों की फेस करती है। अक्सर जो होते हैं ना अंदर जो टीटी होते हैं, जो टिकट चेकर होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका अपना अमला इन्वॉल्व होता है, वो बंदे निकलवा देते हैं। तो ये चीज हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं, तो ये करप्शन का लेवल होता है, छोटे वाली करप्शन का। लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो बहुत सारी जो चीजें वो इससे कवर होंगी। फिर उसके बाद वहां पे लोगों को जो बैठने की सुविधाएं दी गई हैं कि 700 लोग जो हैं वो जो वॉकवे है वहां पर बैठ सकेंगे। अमूमन हम स्टेशन पर जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्या देखने को मिल जाता है, लोग जो है सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं, लोग जो है प्लेटफॉर्म पे ही वो फर्श पे कहीं भी जहां पर उनका दिल करता है बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर सुविधा उन्हें देंगे ना
तो नो डाउट बहुत सारा लोगों को भी इसका बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद जो है लोग जो यानी कि ट्रेवल कर रहे हैं उनसे आप इनकम भी जनरेट कर सकते बिल्कुल। हैं। और देखो उससे ये जो लोग मतलब इंतजार कर रहे होंगे अपनी ट्रेन्स का, और उसके लिए मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि डिफरेंट लैंग्वेज में वो डिस्प्ले किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, यानी कि अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती जो आपकी है जो भाषा आपकी हो। भाषा है उसमें। मतलब छोटी छोटी ये बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके साथ साथ जो फूड, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपके पास अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई दूर से आ रहे हैं या कुछ भी है, आपको इंतजार करना बेहतर लगता है वहां पर, तो आपका टाइम एक अच्छा गुजर जाता है। किड जोन वहां पर बनाया गया, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, फिर उसके अलावा आप वीआईपी लाउंज भी है, और इवन कि आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं वहां पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी सहूलतें हैं। फिर उसके अलावा जो लास्ट में उन्होंने एक बात बताई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि किस तरीके से पानी को ट्रीट करके उसको मतलब यूज किया जाएगा, इवन के जो बारिशों का पानी है उसको भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि जो आपके पास जितने भी हम कहेंगे कि रिसोर्सेज होते हैं आप उनको वेस्ट नहीं करना चाहते, आप उनको रीयूज कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे जो है एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि दिन के टाइम जो है आप डे लाइट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपने जो है इस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर बनाया कि रोशनी जो है वो डायरेक्ट अंदर आएगी। फिर उसके बाद जो है आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या उसके जो भी एक कॉस्ट आ रही होती है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। हम अमूमन जब बात करते हैं रेलवे स्टेशन की बात करते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उनका ये इतने बड़े बड़े बिल होते हैं, तो वो चीज जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक जो है कमी आएगी, तो ये कमी जो है बेसिकली आपका प्रॉफिट ही बनकर सामने बिल्कुल। आएगी। मैं यही बात सोच रही हूँ कि देखो कम से कम वो चीजें मतलब उन चीजों का इस्तेमाल किया गया जो कि आप एक्सपेंसिव है वो बहुत ज्यादा हाई कर दें, और जो आपका वेटिंग एरिया है उसमें भी आपको एसी मतलब वहां पर मिलेगा, मुझे लगता है कि वीआईपी। हाँ, लेकिन मतलब अच्छा है ना ये। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कि वीआईपी जो लाउंज होगा उसमें क्या मतलब इस तरह से होगा कि जो लोग मतलब जैसे ट्रेन की हम लोग टिकट करवाते हैं तो उसमें होता है ना कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसके लिहाज से आपको बैठने दिया जाएगा या फिर कोई भी जाकर बैठ सकता मेरा है, ख्याल है शायद वहां पे बैठने के भी चार्जेस वगैरह हों। या मे भी चार्जेस। हाँ, मैं मतलब ये चीज उनसे मुझे क्लियर नहीं है, बट आई थिंक मौसम जो बाकी का भी एरिया है ना वो भी एयर कंडीशन्ड है, ये मुझे नहीं मेरा मालूम, ख्याल है कि जो लेकिन बाकी का लेकिन भी लेकिन एरिया। जो वीआईपी एरिया की उन्होंने तस्वीर दिखाई है ना वो तो वाकई एक वीआईपी नहीं, सिटिंग मेरा उसकी अच्छी लग हाँ रही मतलब थी। जहां तक मुझे समझ में आई है कि बाकी का एरिया भी जो वो एयर कंडीशन है, लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। कल अब इसका इनोग्रेशन होगा, यानी 15 का उन्होंने बोला है, तो आज 14 है, कल 15 को इसका इनोग्रेशन होगा, और फिर उसके बाद भाई मुझे लगता है कि आम लोगों की एक्सेस में और ज्यादा जो चीजें जो है वो आ जाएंगी, फिर बहुत सारे ब्लॉग्स बनेंगे और फिर हम लोग आपके साथ मिलकर बैठ कर देखेंगे। आई होप इस तरह के और ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनसे हैं वो देखने को मिले। बट यहाँ पर एक और चीज मैं ज्यादा ज्यादा बात करना चाहूंगी कि टाइमिंग्स की, कि जैसे कि उन्होंने बोला कि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, किसी में 1-1.5 साल का, डेढ़ किसी में साल दो का। साल का एक डिफरेंस आ गया, गैप आ गया, बट आई थिंक मौजम उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो काम फिर भी काफी हद तक मैं कहूंगी कि जल्दी हो गया, क्योंकि बिल्कुल जहां हम लोग एक चीज सोचते हैं ना कि प्रोजेक्ट इतने डिले हो जाते हैं कि वो 10-10 साल तक चले जाते लटके हैं, रहते हाँ, हैं। तो वो चीज जो सी है ना वो अब के प्रोजेक्ट्स में हमें नजर नहीं आती, ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। वेल गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हबीबगंज से कौन कौन बिलोंग करता है जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और इसके साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर से। गुड बाय।